दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में विपक्षी भाजपा के पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर भाजपा पार्षदों की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा पार्षद का आरोप है कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही निगम के हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को हटा दिया गया है। हालांकि मेयर शैली ओबराय की तरफ से इस संबंध में साफ किया जा चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। प्रदर्शन में शामिल भाजपा पार्षद संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हजारों कर्मचारी को आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक झटके में हटा दिया। 31 मार्च को इनकी सेवा समाप्त कर दी गई। इनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, माली सहित अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारी शामिल है। संदीप कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को निगम में नौकरी पर लगाना चाहती है। वजह तो ये है कि लगभग 7200 निगम के कर्मचारी जिन्हें 31 मार्च को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, मतलब जो 10-10, 15-15 साल से डाटा एंट्री कर रहे थे, हमारा जितना डिजिटाइजेशन है उनके हाथ में था। उसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो पार्कों के अंदर साफ सफाई और ये सारा काम कर रहे थे, माली थे, MTS थे। तीसरे वो कर्मचारी जो घर घर जाके डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, इन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिए गए और इन सभी एम्प्लॉयज़ को इमीडिएटली 1 अप्रैल को ही दोबारा से नौकरी पे रखा जाए, इनसे काम लिया जाए, इसके लिए हम बैठे थे। ये इनकी साजिश ये है, इन सबको बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी पार्टी के लोगों को दोबारा से निगम के अंदर घुसा के और उन्हें नौकरी देना, चाहे वो योग्य हैं चाहे अयोग्य हैं। तो ये बहुत ही गहरी साजिश है जिसके तहत इतने सारे कर्मचारियों, दिल्ली की जनता से आम आदमी पार्टी की सरकार ने विश्वासघात की है। पार्षद प्रमोद गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए वर्षों से निगम में अपनी सेवा दे रहे हजारों कर्मचारियों को हटा दिया है ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं को निगम में लगा सके। कर्मियों को इन्होंने हटाया है, इन्होंने एक सेकंड के लिए ये नहीं सोचा कि वो लोग जो काम कर रहे थे उनके स्थान पर उस काम को कौन करेगा। दिल्ली की जनता की इनको चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है और एक अपने व्यक्तिगत पार्टी के स्वार्थ के लिए, जैसा अभी संदीप जी ने कहा ना कि सिर्फ एक उद्देश्य है कि इनको हटाकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाना। अरे जिन लोगों को 10-10, 15-15 साल को निगम को काम करने का अनुभव है, 15 साल से वो निगम में काम कर रहे हैं, क्या उनके परिवार की कोई चिंता नहीं है आपको? आप दिल्ली को बेहतर करने की सोचिए, आपको अधिक कर्मचारी देने चाहिए।